ये कैसे आपको आइडिया आया कि सब अलग अलग टाइप से, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपने सिलाई का ही क्या सोचा? जी एक तो ये मेरा प्रोफेशन है, हम लोग यही काम करते हैं सिलाई का। और एक हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ना विजिट पे आया था, मैं एक दोस्त है मेरा ऑस्ट्रेलिया से तेजेंद्र, वो आया हुआ था, तो हम दोनों का प्लान बना कि हम इधर घूम के आए जाके यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे आए, पहले टिकरी बॉर्डर पे गए, टिकरी बॉर्डर के बाद नेक्स्ट डे हम संडे को इधर आ गए सिंगो बॉर्डर पे, देखा तो उससे कहीं याद यहाँ पे आके ऐसा लगा कि यहाँ पे सब कुछ एकदम यानी कि शांति माहौल में चल रहा है। एक हर जगह पे लंगर लगे हुए हैं, फिर कोई कपड़े धो रहा है, वाशिंग मशीनें लगा रखी हैं नौजवानों ने, अपने आप खुद धो रहे हैं, आदमी लोग लेके आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ए टू जेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर जगह जगह लंगर देखे तो कोई फीट मसाजर मशीनें लगा रखी हैं। तो जब हम लोग आगे स्टेज से आगे वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ आदमी लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, यानी कि मेरा तो टेलर का काम है, तो फिर मेरी दाग यानी कि मेरी निगाह है कपड़ों भी जाती है ज़्यादातर, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा नहीं है। जब आगे आए तो औरों के देखे, फिर हमने सोचा यार छोटा सा सर्वे किया जाए। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया किसी का ट्राली में फंस जाता है, किसी का हैंडल में फंस गया, ऐसे बहुत से रीज़न बताए, जिसकी वजह से जब हम घर पे गए तो मैंने अपने माता पिता और अपनी वाइफ से डिस्कशन की इसके बारे में, ये प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे, तो उनको मालूम था भी ये जाना चाहता है। तो फिर उन्होंने भी बोल दिया आप ऐसा करो कि आप जा सकते हो भाई, इतनी बारिश हो रही है, आपने देखा है तो कल सब यानी कि सबका शट डाउन ही करके रखा था, मैक्सिमम अंदर ही खाना वाना बना रहे थे सब। तो कुछ बंदे मेरे पास आए, बोलते हैं भाई भूख लगी है, खाना कहाँ से मिलेगा यार यहाँ पे। मैंने बोला यार आगे इधर अंदर लंगर लगा हुआ है, 24 घंटे चलता है, चलो उनको तो मैंने भेज दिया। इतने में 20 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है और उसमें माइक लगा के स्पीकर पे बोल रहे हैं भाई अगर कोई भूखा बंदा है खाना ले लो, भाई कोई भी भूखा मस हो, बारिश की वजह से बंदे नहीं जा पाए। तो उन्होंने ऐसा खाना आगे यहाँ पे यानी कि दिया आदमी लोगों को, डिस्पोजल प्लेट्स हैं, पानी है, सब्जी है, रोटियां हैं, बोलते हैं भाई जो जितना खाना चाहता है हमारे से लेके जाओ, कोई भूखा मस हो। उसको देख के तो ऐसा लग रहा था यार भाई ये तो काम ही लंबा चला गया, अभी यहाँ से नहीं कुछ हो सकता। ऐसा देख के, ऐसा माहौल देख के एक अंदर से और भावना बढ़ रही है अभी। और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आपको मालूम ही है कितनी कठिनाई होती है इसमें, लेकिन इतनी कठिनाई को इतनी मौज से मना रहे हैं, वो यार कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ना एक बुजुर्ग का पजामा फटा हुआ देखा था, और मैंने बहुत देर पहले ना मतलब प्लस टू टाइम जसवंत सिंह कंवर की एक स्वजीवनी में पढ़ा था, उनकी अदर कंट्री घूमने गए हुए ना सॉक्स निकल गई थी, तो वो उस परेशानी की वजह से मतलब पूरी रात सो नहीं पाए थे। मैंने उस बुजुर्ग को और उस राइटर को कंपेयर किया और दोनों की मानसिक परेशानी एक ही थी, पर यहाँ पे तो हमारे बुजुर्गों की जो परेशानियाँ हैं फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा हैं, सरकार ने जो ये काले कानून बनाए हैं उनकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो मैंने मतलब सोचा भी मुझे ये काम आता है तो इस तरीके से हम उनकी सेवा कर सकते, तो इस सेवा भाव को लेकर हम यहाँ पे आ गए। तो आप कितने दिन से कर रहे हो सेवा और कब तक सोच रहे हो आप कब तक यहाँ पे आप रहोगे? ये तो नहीं प्लान भी कब तक जी। और हम 28 दिसंबर से यहाँ हो कर रहे हैं, और जिस बापूजी का पजामा मैंने देखा था वो सबसे फर्स्ट मेरे पास आए, मैंने मशीन अभी सेट भी नहीं की जी जी। उनके चेहरे का जो हाव भाव था वो देख के शायद मुझे ऐसा लगा भी खुद वो परमात्मा हमारे पास चल के आ गए, मतलब इतनी खुशी थी उनके चेहरे पे भी जैसे उन्हें बहुत बड़ी दुनिया का खजाना मिल गया।